सगळ्यांना माझा नमस्कार. आणि मीडियाला पण थँक यू टू बी हियर विथ अस ऑन सच अ बिग डे. बिल्कुल सही बोला आपने, माँ साहेब का कोई रेफरेंस नहीं था. बहुत मुश्किल था मेरे लिए. मैंने एक बार सोचा भी कि आपसे रश्मि जी या उद्धव जी से क्या मुझे कांटेक्ट करना चाहिए, क्या पता करना चाहिए कि वो कैसी थी, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था, उनकी पर्सनालिटी कैसी थी. पर मैंने फिर अपना कुछ रिसर्च किया, देखते हैं. और ऑफ कोर्स यू नो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू थैंक माय डायरेक्टर अभिजीत पांडे सर, रोहन मापुस्कर एंड ऑफ कोर्स संजय राउत जी, उद्धव जी, रश्मि जी. दिस इज़ जस्ट नॉट कास्टिंग, ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जब ऐसा रोल आता है. ये एक सम्मान है और ये मुझे मिला है. ये बहुत गर्व की बात है. थैंक यू सो मच. एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को हमारा काम पसंद आए. जैसे कि सब ने कहा है, ये आसान नहीं है कि इतने बड़े शख्स पे आप एक फ़िल्म बना रहे हो, वो भी 2-2.5 घंटे की फ़िल्म. आसान नहीं है, हमारी कोशिश रही है और आपका साथ मिले तो हमें सफलता मिलेगी. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. थैंक यू, यू डूइंग अ लवली जॉब. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और मित्रों, इतिहास गवाह है कि जब क्रांति का बिगुल किसी ने बजाया तो उसे जेल भेजकर उस बिगुल की आवाज को दबाने की कोशिश की गई. और अगर ऐसा ना हुआ ना तो शायद वो क्रांति क्रांति नहीं थी. क्रांति के इतिहास को इस युग में जीवित रखने वाले बाला साहेब ने, जब लोग व्यवस्था के सामने चू करने से भी डरते थे, उस वक्त बाला साहेब ने दोस्तों ताल ठोक कर अपनी आवाज़ बुलंद की और हिंद हृदय सम्राट बनकर सभी के दिलों पर राज किया. आज हर कोई सेलिब्रिटीज़ के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, लेकिन एक समय था जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बाला साहेब जी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहते थे. न जाने कितनों के घरों में हमने बाला साहेब के साथ खींची हुई तस्वीरों की एनलार्ज फ्रेम्स देखी हैं. जब भगवान सामने नहीं होते तब हम हज़ारों मन्नतें करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं, लेकिन जब वो सामने आते हैं तब जुबान जैसे थम सी जाती है, सिर्फ सर झुकता है. यही होता था बाला साहेब के सामने आने पर. और इसी के साथ दोस्तों, आइए जोरदार तालियों के साथ हम यहाँ इस मंच पर स्वागत करते हैं शिवसेना अध्यक्ष उद्धव जी ठाकरे साहब का. जय महाराष्ट्र. मेरे पास कोई सवाल नहीं है आपके लिए, सब बहुत कुछ आपसे सुनना चाहते हैं. ये मंच आपका है. और अभी अयोध्या से आए हुए कुछ दिन बीत गए तो हिंदी बोलने की प्रैक्टिस भी मेरी टूट गई बीच में. क्या कहे, आज भी मैं सामने बैठा था और सारे लोगों की बातें सुन रहा था. तो ये पिक्चर तो कितने 2 घंटे की होगी. मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी है. और एक बात तो सही कहा सारे लोगों ने कि बहुत ही कठिन काम है. नवाज जी, आपने भी बहुत सारे फिल्मों में काम किया है. एक कल्पना के आधार पर कुछ स्टोरी होती तो एक मैं कहता हूँ थोड़ी तो आसानी होती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्तिमत्व 300, 400, 500 साल पुराना नहीं, अभी अभी तक अपने साथ था और आज भी हम मानते हैं हमारे बीच में वो है. और ऐसे व्यक्ति को पर्दे पर उनकी व्यक्तिरेखा साकार करना बहुत ही कठिन काम है. और संजय जी कहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है. संजय से तुम आमचा परिवारातले
ये काम करने के लिए कोई तो हिम्मत वाला चाहिए, हिम्मत वाला कोई हो तो ही एक ऐसा काम हो सकता है, और सिर्फ हिम्मत वाला नहीं, बाला साहब के ऊपर दिल से प्यार करने वाला चाहिए। तो ये पूरी जो टीम है बाला साहब के ऊपर प्यार करने वाली, और हिम्मत से जो उन्होंने कुछ पूरे जिंदगी भर उन्होंने क्या दिया। संजय जी एक बहुत कठिन काम है, जैसे मैंने कहा मैंने तो पूरे 52 साल की पिक्चर देखी है, आपने वो सारा 2 घंटे में आपने कोशिश की सबके सामने लाने के लिए। मैं तो यही चाहूँगा कि ये फिल्म फिल्म नहीं है, जिए तो कैसे जिए, जो बाला साहब कहते थे कि जीना हो तो मर्द के जैसे जियो, तो ये जो एक संदेश उन्होंने दिया था वो संदेश इसमें मैं मानता हूँ कि आपने दिया होगा। मैं तो पूरे दिल से प्रार्थना करता हूँ कि सिर्फ ये फिल्म नहीं, ये जो आपने शिवधनुष्य उठाया है शुभकामना है, और आज तक के पूरे रिकॉर्ड फिल्मों के एक अच्छे तरीके से तोड़ दे, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, राज्य तो है ही, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, विदेश में भी इस फिल्म की चर्चा हो जाए, ऐसी एक शुभकामना देता हूँ, और देखते हैं आगे फिल्म कैसी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू सर। सिद्दीकी सर प्लीज, अमृता राव जी, अजीत अंधारे साहब सर, कुड वी प्लीज हैव यू ऑन स्टेज, एंड डॉक्टर श्रीकांत सर, बसी सर, कुड वी ऑल्सो प्लीज हैव यू जॉइन अस ऑन स्टेज। दोस्तों आप लोगों को प्रश्न पूछने का पूरा मौका मिलेगा, गुजारिश है कि कृपया करके थोड़ा सा धैर्य धरें। एंड वील हैव द माइक्स, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं सो प्लीज फील फ्री टू पुट फोर्थ योर क्वेश्चंस सर, अगर या ओके, यस वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग फ्रॉम देयर, वहां पर हैं। जितने भी लोग स्टेज पे मौजूद हैं, उद्धव जी, संजय जी, नवाज साहब, अमृता जी, बहुत बहुत बधाई हैं आपको। ट्रेलर देख के रंगटे खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुंच गए। संजय जी सही हो, संजय सही हो, संजय सही हो, ऑन योर लेफ्ट, कोई बात नहीं, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, ट्रेलर बहुत अमेजिंग है, देखते ही रंगटे खड़े होते हैं और महसूस होता है कि हम उस वक्त में पहुंच गए। संजय जी आपसे मेरा सवाल, पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा, क्या चैलेंज था आपके लिए कास्टिंग, जैसे बहुत लोगों ने कहा स्टेज पे कि बड़ा मुश्किल था लोगों को लाना, और वो कौन डायरेक्टर जिसने आपको कहा? मैं आपका समझा नहीं क्या? नहीं मैं आप पूछता हूँ कास्टिंग का जी, कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं नवाज साहब का कास्टिंग 2 मिनट में किया है। नवाज साहब जो मुख्य भूमिका में है वो तो बहुत चैलेंजिंग रहा, उससे पहले भी जब नवाज साहब का कास्टिंग हो रहा था तो हमारे सामने बहुत से नाम आ रहे थे, बड़े बड़े एक्टर सुपरस्टार्स हैं, लेकिन उनके साथ शूटिंग भी हो रही थी, लेकिन उसमें बाला साहब नहीं मुझे दिख रहे थे। तो मैंने नवाज साहब को बताया कि आपका कास्टिंग कैसा हुआ है। उनकी एक फिल्म थी, मैं जब एक बार फ्लाइट से जा रहा था तो सामने स्क्रीन पर फिल्में लगती हैं, वो फिल्म मैंने पहले भी देखी थी, लेकिन वो फिल्म थी फ्रेकी अली। फ्रेकी अली फिल्म है, फ्रेकी अली जो एक गोल्फ प्लेयर के ऊपर एक फिल्म है। मैं एक बार वापस देखने लगा और मुझे लगा कि ये जो चेहरा है नवाज साहब का, उसको अगर हम कंप्यूटर में थोड़ा दाढ़ी बीड़ी लगा के हमने देख लिया, मैंने और अभिजीत ने और सब ने, तो लगा ये बाला साहब ठाकरे तो बन सकते हैं, लेकिन उनके चाल में जरा देखना उनकी चाल कैसी है। तो जब वो गोल्फ
उनके वो मैदान से चलते हैं अपने स्टाइल में वो पूरा किट लेकर, तो मैं ना ये चाल में भी दम है उनके। उनके एक बार मैंने बुलाया ताज लैंडस्टैंड में, और मैं उनको चेहरों को नहीं देख रहा था, वो कैसे चल रहे हैं, उनकी स्टाइल क्या है चलने की, वो मैं देख रहा था। दो मिनट में उनको बोल दिया कि आप, मैं ठाकरे फिल्म बना रहे हैं और आप बाला साहब ठाकरे हैं। ये दो मिनट की कास्टिंग है। जैसे हमारे डायरेक्टर जी है अभिजीत पान से, उनको भी कहा कि आपको हमको ठाकरे बनाना है और आपको डायरेक्शन करना है। ये हम जो कास्टिंग का जो एक चलता है ना, यहाँ कोई कास्टिंग काउच नहीं हुआ है ना जेंट्स ना लेडीज, ये एक एक मिनट में हमने कास्टिंग कर दिया है। बस ये माँ साहब है, ये कोई दत्ताजी साल्वी है, या हमने हमारे दिमाग में पूरे कास्ट फिट थे, हमने कर दिया। हमको बाला साहब को दिखाना है और उनका माहौल दिखाना है। मुझे लगता है हम थोड़े बहुत उसमें कोशिश की है, अभी आपके ऊपर है। यकीन आप कोशिश में कामयाब रहे संजय जी। मैं नवाज से जानना चाहूँगा, नवाज जब हम बाला साहब की बात करते हैं तो सरकार राज और सरकार फिल्म याद आती है जो अमिताभ बच्चन साहब ने की थी, और अगर हम वो फिल्मों को याद करें तो जहन में ये आता है कि बाला साहब इस तरह से ड्रेसअप होते थे, इस तरह से रहते थे, लेकिन अब लुक की अगर हम बात करें तो आपको देख के कहीं भी महसूस नहीं होता कि हम बाला साहब को नहीं देख रहे हैं। क्या आपको लगता है ठाकरे से आप बच्चन साहब ने जो किया उसको ओवरशैडो कर देंगे? देखिए, ओवरशैडो तो कोई किसी को नहीं करता, हर आदमी का अपना एक तरीका होता है, मेथड होता है करने का। दूसरी बात यह है कि लुक के अगर जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, वो बहुत मोस्टली डिपेंड करता है मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर। तो मैं अपना श्रेय मेकअप आर्टिस्ट को नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो हम लोगों ने मेहनत की है, और जैसे राव साहब ने बताया कि वो कैसे चलते थे, वो कैसे बातें करते थे, मैनरिज्म, उनका थॉट प्रोसेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए मेहनत लगती है। लुक तो आप, अगर मैं आपको, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं आपको दो मिनट में आपको सेम लुक दे दूँ, वो इट इज़ नॉट माई, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें लुक में। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ थॉट प्रोसेस, उस वक्त पे जो मोमेंट में बाला साहब हैं और वो क्या सोच रहे होंगे, वो अचीव करना, वो जैसे मैंने बताया वो उसकी कोशिश की जा सकती है, वो हमने की और उसके लिए बहुत मेहनत की। नमस्कार, एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, छोटी छोटी बातें होती है। जैसे मैं शूटिंग में तो बहुत कम जाता था, लेकिन पीछे से देखता था हमेशा क्या चल रहा है स्क्रीन पे। हॉर्निमन सर्कल में शूटिंग चल रहा था, जो आपने देखा ट्राम में बाला साहब बैठ कर जा रहे हैं ट्राम में, और बीच में अंदरों एक गली से भी चल रहे हैं, तो मैंने अचानक देखा कि यार बाला साहब के गले में झोला है। मैंने बोला ये बाला साहब कभी झोला फोला लेकर नहीं घूमते थे, निकाल दो पहला। ये ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी अचानक से, क्योंकि साहब को जिसने देखा है उसको ये समझता है कि ये नहीं है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता था। तो ये छोटी छोटी बात भी हमने, बाला साहब नहीं इस प्रकार की चप्पल नहीं पहनते थे, उस प्रकार की शर्ट नहीं था उनका, वो तो हो गया बाद में, ठीक है। सर उदय जाधव, पहला प्रश्न साहिबानाच आहे, उद्धव साहिबांना, तुम्हाला ट्रेलर कसा वाटला आणि ह्या सिनेमाबद्दल तुम्ही काही सूचना दिल्या होतात का की सिनेमा हा असा बनला पाहिजे? पहिलं म्हणजे मला कसा वाटला याच्यापेक्षा तुम्हाला सगळ्यांना कसा वाटला, याचं कारण चित्रपट मी एकटा नाही बघणार, संपूर्ण देशच नव्हे तर मी मगाशी सांगितलं की हा चित्रपट जगभर गेला पाहिजे, आणि तो जगभर तेव्हाच जाऊ शकतो की ज्यावेळेला त्याच्यात काहीतरी दम असतो, आणि मला असं वाटतं या चित्रपटात नक्कीच दम आहे। अतिशय नुसत्या मेहनतीला पण अर्थ नसतो, जीव ओतून मेहनत करावी लागते। जसं नवाज भाई आपने कहा की मेकअप आर्टिस्ट तो मेकअप कर लेगा, पण जोपर्यंत त्याच्यामध्ये कलाकार आपला जीव ओतत नाही तोपर्यंत ते व्यक्तिमत्व उभं नाही राहू शकत, आणि मला असं वाटतं अतिशय मेहनतीने जीव तोडून जीव ओतून सगळ्यांनी काम केलेलं आहे। नमस्कार, मैं रेखा खान, नव भारत टाइम से। मेरे दो तीन सवाल हैं। सबसे पहले तो मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, बहुत ही सुपर फैंटास्टिक ट्रेलर है, और मैं कह सकती हूँ कि ट्रेलर तो ऐसा है तो फिल्म अभी बाकी है, तो बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले नवाज़, मैं बहुत आपको अभिनंदन कहना चाहूँगी, और मेरा सवाल आपसे ये है कि ये एक बहुत ही, हम सभी जानते हैं कि बाला साहब बहुत ही एक बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी थे, और उनके बहुत सारे रंग थे, उनके बहुत सारे पहलू थे। आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल कौन सा पहलू रहा? क्योंकि जाहिर है वो एक इतने बड़े नेता थे, पिता थे, पति थे,
तो आपके लिए सबसे ज़्यादा कौन सा पहलू जीना उनके लिए मुश्किल था? देखिए, उनका तो कोई भी पहलू बहुत आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था, है ना, उसको निभाना. और स्पेशली जो इनकी स्पीचेस थी, जो ईज था उनके पास, टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो जो ईज था उनके पास बात करने का, और जो वो उनकी स्पीचेस जैसे आजकल देखा जाता वैसी नहीं थी, बहुत ही कन्वर्सेशनल होती थी. जैसे बात कर रहे हो, जैसे मेरे पास ऑडियंस को ऐसा फील होता होगा उस वक्त पे कि जैसे उनके पास बैठ के उनकी बातें सुन रहे, उनकी उनको उनको बोल रहे हैं वो, कुछ उसको महसूस होता था, ऑडियंस को महसूस होता था. तो वो बातें करते थे, वो स्पीच नहीं होती थी उनकी. तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क था एक्चुअली, कि जब वो स्पीचेस हों, एक ईज हो और वो बिल्कुल लाइक कन्वर्सेशनल हो. और भी लाइक जैसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो कनेक्शन, उनका जो कनेक्शन था लोगों के लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो हमने कोशिश की है मिलके. तो नवाज़, ऐसा कह सकते हैं कि आप एक बायोपिक स्पेशलिस्ट बन गए हैं. मंटो में आपने बहुत बेहतरीन काम किया, रमन रागों में तो आपने मतलब सबके रोंगटे खड़े कर दिए, और अब ये बाड़ा साहब ठाकरे, तो एक बायोपिक्स में आपकी बहुत एक महारत देखने को मिल रही है. नहीं, महारत तो देखो किसी चीज़ में नहीं होती. मैं कोई परफेक्शन तक पहुँचने की एक वो होती है, बट पहुँचता कोई नहीं है एक्टर. बस पूरी लाइफ यही होती है कि उसको खोजते रहें, डिस्कवर करते रहें, फाइंड आउट करते रहें कि क्या करेक्ट हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए. तो परफेक्शन तो या महारत ही तो, या महारत तो हासिल मैंने की नहीं है, क्योंकि अभी बहुत कुछ अभी बाकी है. मैं एक सवाल मैं डायरेक्टर साहब से करना चाहूँगी. अभिजीत जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपको, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. आमतौर पर हम देखते हैं कि जब बायोपिक्स होती हैं तो उसमें किसी भी किरदार को बहुत ज़्यादा एक हीरोइक अंदाज में दर्शाया जाता है, काफ़ी महिमा मंडित किया जाता है. बाड़ा साहब की पर्सनालिटी तो खैर हीरोइक थी ही हर तरह से, लेकिन हम देखते हैं कि बायोपिक्स में बहुत सारे जो ग्रे पहलू होते हैं वो नज़र नहीं आते हैं. और बहुत बार हमने ऑफ लेट बॉलीवुड में देखी है, बहुत सारी बायोपिक्स ऐसी हैं जो उस चरित्र, जो उतना लेजेंडरी किरदार थे, उनके साथ में वो इंसाफ नहीं कर पाए. तो इस ये आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा, तो किस तरह से ये कितना न्याय दे पाएगी, और ये इस चैलेंज को आप किस तरह से पूरा कर पाए हैं? मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि हीरोइक दिखाने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी. शुरुआत का जो सेक्शन था वो बाला साहब को कैसे हीरोइक ना दिखा सकते उस पर हमारी मेहनत थी, क्योंकि डे वन से बाला साहब ठाकरे ये पूरे देश के लिए एक हीरो है. और जो बाकी बायोपिक्स में क्या होता है पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत एक रियलिज्म को पकड़ के हम लोग चल रहे थे. उनके जैसे राउत साहब ने बोल दिया था कि 2 घंटे में बाला साहब बैठा ना, ये नामुमकिन है. यह ऐसा नहीं है कि पूरी बायोपिक हमने पूरी 2 घंटे 2.25 घंटे में दिखाई है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण उनके देश के बारे में या महाराष्ट्र के बारे में जो महत्वपूर्ण उनके जो किस्से हैं, उनके इंसिडेंट्स हैं, वो दिखाने की कोशिश है, और वो बहुत ही प्रामाणिकता से किए हमने. और इतनी प्रामाणिकता से किए है कि